This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फीनवेस्ट में। तो देखिए, सबसे पहले हम 9 अक्टूबर 2020 की कॉल्स की बात कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि 12 अक्टूबर 2020 के लिए हमारे क्या स्टॉक्स के लेवल रहने वाले हैं। देखिए, एक्सिस बैंक, जैसे कि मैं कहता हूँ आपको, पहली बार में स्टॉप लॉस हिट होगा, दूसरी बार आप कॉल ले सकते हैं। तो देखिए, पहली बार में एसएल हिट हुआ, हमारे बाय का लेवल एक्टिवेट होने के बाद एसएल हिट हुआ, फिर दोबारा उसने जो है बाय का लेवल एक्टिवेट होने के बाद एसएल हिट होने की बात कर रहा हूँ मैं, बाय का लेवल एक्टिवेट होने के बाद तीनों टारगेट प्राइस अचीव करके दिए। तो आप ध्यान रखेंगे अपने न्यूवर्स को, मैं बता दूं, अगर पहली बार में आपका कोई एसएल हिट हो जाए तो दूसरी बार आप वो कॉल ले सकते हैं, उसी से आप अपना जो लॉस हुआ है उसे रिकवर कर सकते हैं। सिक्योरिटीज टेक्नोलॉजी में हमारा शॉर्ट सेलिंग के दोनों टारगेट प्राइस अचीव हुए। बाकी के जो दो स्टॉक थे वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रोवाइड किए थे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर हो जाएगा। एमएफएसएल मैंने इसमें क्या हुआ, शॉर्ट सेलिंग साइड का एक बार एसएल हिट हुआ, एक बार टारगेट अचीव हुआ, और बाय साइड का एक बार टारगेट अचीव हुआ। इंडसइंड बैंक में हमारे बाय साइड के दोनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे। देखिए, अगर कोई भी स्टॉक अगर गैप ओपन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। छोटे शेयर प्राइस, यानी कि छोटे बिगनियर हैं, कुछ मदद चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, कुछ बताना है, कोई भी क्वेरी हो आपकी, या फिर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, आपको लेवल्स चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, बाकी की डिटेल्स मैं आपको वहाँ सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझे टेक्स्ट कर लीजिए। बाकी बात करते हैं 12 अक्टूबर 2020 की कॉल्स की, तो गोदरेज प्रॉपर्टी, देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी का जब लेवल ब्रेकआउट होगा 916 का, यानी कि 916.10 जब हो जाएगा, तब आप इस स्टॉक को बाय कर लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 910 का, टारगेट रहेगा 920, 930 और 940 का। पहला टारगेट प्राइस एज यूजुअल स्मॉल रहेगा, ताकि कोई बिगनियर्स हैं वो छोटे से प्रॉफिट में बाहर आ पाए, और अगर स्टॉक गैप डाउन ओपन होता है तो आपका इजीली पहला टारगेट प्राइस अचीव हो जाए। शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी 909 की, स्टॉप लॉस रहेगा 915 का, टारगेट प्राइस रहेगा 895 और 885 का। ध्यान रखेंगे जो स्टॉप लॉस है, जैसे मान लीजिए जो मैंने आपको बाइंग साइड का स्टॉप लॉस दिया है वो दिया है 910 का, तो 910 से जब प्राइस इसकी डाउन जाने लगेगी तब आप इसे का एसएल हिट मानेंगे, और 915 से अगर जब ऊपर जाने लगेगी शॉर्ट सेलिंग साइड के लिए तब आप इसका एसएल हिट मानेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था गैप अप ओपनिंग, अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे 10 एएम तक उस गैप के फिल होने का। गैप फिल कैसे होगा, ये जो बाइंग प्राइस है और शॉर्ट सेलिंग प्राइस है इसके बीच में कहीं पे आपका जो स्टॉक है वो होल्ड लेगा। होल्ड कैसे लेगा, अप एंड डाउन करेगा, बट इन दोनों के बीच में। ये गैप अप ओपन होने के बाद बाय साइड के लिए कंडीशन है, गैप डाउन ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग साइड के लिए कंडीशन है, खाली ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगला स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो टाटा स्टील, जिसे आप बाय करके चलेंगे 371 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 368 का, टारगेट रहेगा 372.50 का, 374 का, 378 का। शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी 367 की, स्टॉप लॉस रहेगा 370, टारगेट रहेगा आपका 365.50 का, 372 और 360 का, सॉरी 362 और 360 का। ध्यान रखेंगे शॉर्ट सेलिंग और बाय साइड का लेवल ब्रेकआउट होने के बाद ही आप ऐसा करेंगे, और स्टॉप लॉस कैसे मानेंगे, जैसे 368 से जब ये नीचे जाने लगेगी इसकी वैल्यू बाय साइड में, तब आप अपना एसएल हिट मानेंगे, और यहाँ पे 370 से ऊपर जाने लगेगी वैल्यू तब आप अपना एसएल हिट मानेंगे। तो ध्यान रखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले में भी आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, प्लस आप हमारी वेबसाइट भी विजिट मार सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा।